500 करोड़ से ज्यादा का रिकॉर्ड हुआ है चाइना में भी। जी जी जी। सिर्फ इंडिया में ही वहाँ के आप लोगों ने झंडे गाड़े हैं और क्या रिकॉर्ड सेट करने वाले हैं? एक्चुअली हम लोग रिकॉर्ड्स के बारे में इतना नहीं सोच रहे और ना हम शुरू से सोच रहे थे। हमें तो बेहद खुशी इसी बात की है कि ये फिल्म जो है लोगों ने इतने प्यार से इतने प्रेम से अपनाया है, भले वो हिंदुस्तान की बात हो या हिंदुस्तान के बाहर भी। तो वी आर रियली हैप्पी दैट व्हाट स्टोरी वी बिलीव इन, व्हाट स्टोरी इट इज अ रोल एंड द फिल्म दैट ही मेड हैज टच्ड सो मेनी हार्ट्स। वी आर रियली हैप्पी। चाइना के आपके किसी फैंस ने आपको कुछ मैसेज किए हैं, ट्वीट किए हैं? बहुत सारे मैसेजेस आए हैं और मैं वहाँ के सोशल मीडिया पर भी उनके रिएक्शन पढ़ रहा हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। जो उनका रिएक्शन है, चाइना की जो ऑडियंस है उसका रिएक्शन बिल्कुल अच्छी चल रही है। थर्ड हिंदुस्तान की तैयारी अच्छी चल रही है। वी आर स्टार्टिंग शूटिंग इन जून। सो फार सो गुड। अच्छी रिहर्सल अच्छी जा रही है, एक्शन की रिहर्सल अच्छी जा रही है। जी हाँ, हाँ फातिमा इस फिल्म की हीरोइन है थर्ड हिंदुस्तान। और कैसे लग रहा है मुझे? बेहद खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है क्योंकि बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट है फातिमा और मुझे लगता है कि रोल में बहुत सूट करती है। जिस तरह फातिमा ने जो स्क्रीन टेस्ट दिया है इस फिल्म की भी, जैसे दंगल की हमने बहुत रिग्रेस टेस्ट की थी, थर्ड्स के लिए भी वैसे ही हुआ है कि तीन चार दफ़ा उनको टेस्ट देना पड़ा। तो अल्टीमेटली जब विक्टर साहब को तसल्ली हुई तब विक्टर टुक द डिसीजन ऑफ कास्टिंग फातिमा। आई थिंक इट्स अ ग्रेट चॉइस। हमें इस नाम के बारे में ज़रा बताएं, कुछ दंगल दंगल बात चली है ये जो पीछे टाइटल रखा गया है। बस ये जो हमारा टेलीविजन प्रीमियर आ रहा है जी टीवी पर, उसी के साथ साथ जो हमारी बातें आज हुई हैं, जो हमारी यादें ताज़ा हुई हैं, उसी के यही वो शो है। फिल्म के बाद हम जो बातचीत कर रहे हैं, लोगों के सवाल ले रहे हैं देश भर से, तो ये मेमोरी है हम सबके लिए दंगल की। Inspired from any film. Okay. It is an action-adventure film. Okay. Action-adventure film, pirates bhi hai, aur bhi 100-200 action-adventure film bani hai. Indiana Jones bhi action-adventure hai. So it's an action-adventure genre. Kahani kisi film se milti julti nahi hai. Aur mera kirdaar bhi kisi se milta julta nahi hai. जो फिल्में होती हैं उनकी कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होता, कोई कल्चरल बैरियर नहीं होता। ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन की ह्यूमन स्टोरीज हैं जो और लोगों से कनेक्ट करती हैं, चाहे वो किसी भी देश के हों, चाहे वो किसी भी भाषा के हों। तो यही है कमाल क्रिएटिव चीज़ों का कि क्रिएटिव चीज़ों के लिए कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई नेशनल बाउंड्री नहीं होती। कनेक्ट फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन।